पे एक चूतिया हो जो गलती से इसमें आए, तो बाप जरूर होगा किसी का, ड्राइवर या माली। तुम लोग आते हो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड, कभी सीखते कुछ हो नहीं मैडम। मैं तो सीखना आता है मैडम, फर्स्ट जनरेशन इसका मतलब अगर मैं गांव का पैदा हूँ मैं, इसका मतलब। और तुमने तो, तुम्हारा बाप क्या करता है, कोई माली है, चौकीदार है, क्या है, तुम लिटरेट हो भी? प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, जहाँ आप बोलो आप, मैं पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ ताकि मैं ये सब डाल दूँ। माई फादर इज, सारा का सारा इन्फेक्शन था। नहीं नहीं मैम, जो तुमने काटा था, वी हैव नेवर सीन अ वर्स सर्जरी इन द होल ऑफ इंडिया। नहीं नहीं मैम, इसमें ये डॉग हाइपर एक्टिव है, ऐसा नहीं है, हाइपर एक्टिव है, इसकी हिस्ट्री जी टूटे हुए हैं। इसकी हाइपर एक्टिव हो या ना हो, हाँ, आपने जो स्टिचेस लगाए एक नहीं दो दफा निकले, नहीं उसके भी आपने पैसे निकले लिए, दस दूसरी दफा भी आपने 4,000 रुपए। नहीं उसके बाद गिविंग यू वन ऑप्शन व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, इफ यू डोंट शट अप यू जस्ट सी आई सेंड द पुलिस राइट नाउ एंड पिक यू अप। नहीं नहीं उसके बाद मैम डॉक्टर नेहरू के पास भी गए थे, डॉक्टर नेहरू ने कहा इतना घटिया काम उन्होंने कभी देखा नहीं। नहीं तो डॉक्टर नेहरू ने भी तो दोबारा टांके लगाए हैं उसमें। हाँ दोबारा टांके लगाए हैं, बट हाँ। जो जब तक आपने बर्बाद कर दिया, नहीं मैम तक वो कुत्ता उसमें, डॉक्टर गुप्ता मैं आपको बोल रही हूँ आपको क्या करना है, यू विल पे ऑल द फीस फॉर दिस डॉग, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड दैट, यस और नो? मैम मैं देखिए आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते मैम, आपने दो दफा उस कुत्ते पर ऑपरेशन किया, दोनों दफा उसके इंटेस्टाइन्स निकले। नहीं मैम इसमें जो सूचर्स हैं, सूचर्स ब्रेक हो गए हैं, इन्फेक्शन की वजह से हुए हैं। तुम्हारे सूचर्स घटिया चीप किस्म के सूचर्स तुमने इस्तेमाल किए। मैंने मैम उसमें सबको चीटिंग करते हो। नहीं नहीं बिक्रल उसमें यूज किए मैम, उसमें बिक्रल है। दो दफा आपने किया, दो दफा वो सूचर्स खुले। मैम हाइपर एक्टिव डॉग है, डॉक्टर नेहरू ने भी रिपोर्ट किया है कि तुमने दो लेयर पर नहीं, द स्टिचेस वर नॉट ऑन थ्री लेयर्स, यू ओनली डिड द स्टिचेस ऑन टू लेयर्स अबाउट। नहीं 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 मैम, मैंने थ्री लेयर्स पे जो फर्स्ट है थ्री लेयर्स पे किया था। रिटर्न कमेंट मैक्स वेट्स ने भी लिखा है कि जिसने ओरिजिनल लिखा करा है उस आदमी को वेटनरी प्रोफेशन से निकालना चाहिए। मैम उसमें मैंने थ्री लेयर ही किया है। गुप्ता जो गलती होती है सो गलती होती है। नहीं नहीं मैं आपने अब अगर नई गलती मानोगे, आई विल हैव योर लाइसेंस टेकन इन द नेक्स्ट वन मंथ, डू यू अंडरस्टैंड, यू विल नॉट बी अलाउड टू हैव अ क्लिनिक और एनीथिंग। द डॉग हैज कॉस्ट 70,000 रुपीज सो फार, यू विल पे दैट 70,000 रुपीज टू मैक्स वेट, डू यू अंडरस्टैंड? मैम इसमें जो आप हाँ या ना बोल रहे हैं जल्दी बोलिए। नहीं नहीं मैम देखिए जब आप मेरी नहीं, बात नहीं, मतलब? नहीं सुनना चाहेंगे, आप मेरी बात नहीं सुनना। मैंने आपकी बात सुन ली है, आपने ऑपरेशन किया, मैंने सारे के सारे तस्वीरें देखी हैं। नहीं ठीक है आपने देखा है, मैंने यहाँ तक कि डॉक्टर मिलिंद हेतिगर का मैंने एक फेसबुक पे भी डाला हुआ है, उन्होंने भी लिखा हुआ है कि जनरली क्या है कि ये डॉग लिकिंग की हैबिट होती है और जब लिकिंग करता है उस कंडीशन में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो सूचर ओपन हो जाते हैं। मैम जनरली तुमने सूचर्स खुलवाए हैं, तुम्हारी चीप और डर्टी सर्जरी के साथ ये सारे सूचर्स खुले एक नहीं दो दफा, नहीं तो और आपने उसके ऊपर से 4,000 मांगा अगली दफा के लिए भी। इतने घटिया डॉक्टर हो कि नहीं, गलती तुम्हारी और फिर अगली दफा भी तुमने 4,000 रुपए मांगे? नहीं मैम उसके बाद मैंने जो मैंने उन्हें नहीं नहीं मैं बता रहे हमारे पास सबूत है बखे जा रहे हो। नहीं नहीं मेरी बात, कोई शरीफ डॉक्टर होता तो बोल देते कि हाँ गलती हो गई। अब आप बताइए आगे क्या करना है? नहीं अब देखिए मैम आप जनरली कहेंगे अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं है, मैंने उन्हें उसमें एलिजाबेथ कॉलर भी दिया हुआ था, इंजेक्टेबल भी उन्हें दिए हुए थे, मैंने सब कुछ दिया हुआ। एलिजाबेथ कॉलर नहीं होता, एलिजाबेथन कॉलर होता, आपको तो प्रोनाउंस करना भी नहीं आता। ई कॉलर मैं मैडम मैं यूपी बोर्ड नहीं मैं मैडम मैडम मैं यूपी बोर्ड का हूँ कि आपने उस कुत्ते को मरवा दिया। नहीं मैं यूपी बोर्ड का हूँ मैम, तो जनरली क्या है कि मेरा तो इंग्लिश है इस तरह का क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का हूँ, मैं सीबीएसई बोर्ड का, मैं यूपी बोर्ड का हूँ। इंग्लिश पर जी जब आपको वेटनरी सब्जेक्ट ही नहीं मालूम तो इंग्लिश पर क्यों जा रहे हो भाई? नहीं मैं तुमसे शादी करने के लिए तो फोन नहीं किया। नहीं मैं तो ई कॉलर कह रहा हूँ, ई कॉलर है मैं कह रही हूँ। तुमने ई कॉलर डाला या डी कॉलर डाला? सवाल ये है कि वो स्टिचेस खुल गए एक नहीं दो दफा और दोनों दफा तुमने पैसे लिए। मैंने मैडम कि दोबारा भी करते हुए तुमने 4,000 रुपए मांगे? नहीं मैडम मैंने
यहाँ तक कि उन्होंने 2000 रुपए केवल पे किए थे, मैंने उसमें से सामान दिया था पूरा, ई कॉलर दिया था मैंने, इसके अलावा इंजेक्टेबल दिया था मैंने। अगली दफा भी तुमने पैसे मांगे, पहली दफा भी तुमने 2000 रुपए लिया, अगली दफा भी तुमने 4000 रुपए लिए और तुमने बर्बाद किया उस कुत्ते को। नाउ आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन, सुन लो, मैं क्रिमिनल केस तुम्हारे खिलाफ खुद फाइल कर रही हूँ, मैं वेटनरी काउंसिल खुद तुम्हारे खिलाफ जा रही हूँ, और अभी मैं डॉक्टर उमेश शर्मा से बात करके तुम्हारे ऊपर एग्जेम्पलरी एक्शन ले रही हूँ। मैं कलेक्टर से बात करके अभी तुम्हारी क्लिनिक पर ताला लगाने वाली हूँ। तुम्हारे पास चॉइस ये है कि जो अभी तक 70,000 रुपए लगे हैं उसके वेरियस ऑपरेशन में, वो सब का सब पैसा आप उनको देंगे। अब आप इस पर हाँ या ना बोलते हैं? मैं बात करता हूँ। किससे बात करोगे हरामजादे? मैं अभी अभी कलेक्टर से बात करने वाली हूँ, 5 मिनट में। मैडम मुझे मौका हाँ या ना? तुम वेट्स चार आने के दो टके के लोग, ऑपरेशन करना नहीं आता, चीप चीप इस्तेमाल करते हो हर चीज, पैसे लेते हो हजारों में। मैडम ऐसा नहीं है। और उसके ऊपर से एक नहीं दो दफा उस बिचारे के ऊपर अभी उसके 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। अब ये बताइए मैडम, 5 ऑपरेशन आप बता रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से इंटेस्टाइन्स आ गए थे वो सारे इंटेस्टाइन्स अब बेहद इन्फ्लेम्ड है, इन्फेक्शन लग गया, क्योंकि इतनी दो दफा वो निकल चुके थे, दोनों दफा तुम्हारी वजह से हरामजादे, तुम्हारी वजह से। डॉक्टर अपने आप को कहते हो, मानने के लिए तैयार नहीं हो कि गलती तुमने की। मैडम पता नहीं और कितने जानवरों को तुमने बर्बाद किए। कभी आज के बाद मैं कलेक्टर से अभी बात करने वाली हूँ तुम्हारी क्लिनिक को बंद करवाने के लिए, समझे? आई विल नॉट लेट यू प्रैक्टिस इन आगरा, क्या इन हिंदुस्तान। और अभी मैं उमेश शर्मा से बात करने वाली हूँ, तुम्हारे जैसे चोर बदमाश चक्कू है ही नहीं। अब यह बताओ कि अभी तक आई वॉन्ट दैट मनी सेंट टू देम, स्टूडेंट है वो लड़का, मैं जानता हूं। तुमने उनको लूट लूट करके तबाह किया, यू विल सेंड देम द मनी बाई चेक राइट नाउ, डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand that? जितना लोगों को लूट करके कमाया है वो तुम मैडम, उनको भरोगे? मैडम मैडम ऐसा नहीं है, मुझे भी 70 साल यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए हो गया, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। और कंज्यूमर कोर्ट में तुम्हारे ऊपर केस लगाने वाले हैं, वो FIR फाइल करने वाले, तुम जेल तो जाओगे ही, और कंज्यूमर कोर्ट में 5 लाख रुपए वो मांग रहे हैं। अब या तो वो इसको 70,000 देकर के खत्म करो, या तो 5 लाख तुम्हारे सिर पर आने वाला है। और क्योंकि मैं इनके पीछे हूँ, मैं तो रुकूंगी नहीं जब तक। नहीं मैडम, मैंने ऐसा कुछ, अब मैं आपको जनरली क्या, आप मैडम सुनना नहीं चाहते हो। तुमने मैंने सुन लिया है, मैंने सुन लिया है, मैंने सुन लिया, मैंने तस्वीरें देखे हैं, मैंने सब कुछ देखा। अगर तुम एक दफा बोल दे कि मेरे पास मेरे से गलती हो गई तो मैं शायद माफ भी करती, लेकिन हरामी तुम अभी तक बोल रहे हो नहीं मैंने ई कॉलर लगा दिया, मैंने ई कॉलर, ई कॉलर से क्या मतलब है भाई? उसके इंटेस्टाइन निकल रहे हैं, उसका जबान नहीं निकल रहा है, हाइपर एक्टिव है, अगर वो हाइपर एक्टिव भी है तब भी उसके स्टिचेस नहीं निकलते। दुनिया भर के रॉटवाइलर्स के क्या हम लोग करते हैं और रोज के रोज। डॉक्टर नेहरू ने भी कहा कि इससे गंदा ऑपरेशन उन्होंने कभी देखा नहीं। मैक्स वेक्स ने कहा कि पता नहीं जिंदा कैसे है कुत्ता। अब तुम वो 70,000 रुपए भरने वाले हो मैक्स में या नहीं? मैं बात करता हूँ। किससे बात करोगे हरामी? किससे बात करोगे? क्या बकवास करे जा रहे हो? मैं बात करता हूँ अभी, मैं कॉल करता हूँ। मैं अभी बात करता हूँ। किससे बात करोगे? किससे बात करोगे? मैं डॉक्टर नेहरू से बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी ऑपरेट किया था। तुम डॉक्टर नेहरू को छोड़ो, मैं पूछ रही हूँ तुमको, आखिरी दफा पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी मैं कलेक्टर से बात करने वाली हूँ। तुम जरा मुझे बताओ, मेरे पास तुम्हारा पता है, हेरिटेज टावर नियर अंजना सिनेमा नेहरू नगर, तो तुम यार मुझे बताओ हाँ या ना। अगर तुम हाँ भरने वाले हो तो मैं छोड़ देती हूँ, अगर नहीं भरने वाले हो तो मैं अभी कलेक्टर से बात करके तुम्हारे ऊपर आफत लाती हूँ। मैं फेड अप हो गई तुम्हारे जैसे थर्ड रेट चूतिए लोग। मैडम मैं भी ऐसा नहीं, MBBS ही हूँ मैं। तुम एक चूतिया हो जो गलती से इसमें आए, तो बाप जरूर होगा किसी का, ड्राइवर या माली। तुम लोग आते हो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड, कभी सीखते कुछ हो नहीं। मैडम तुमको सीखना आता है? मैडम फर्स्ट जनरेशन इसका मतलब अगर मैं गाँव का पैदा हूँ मैं, इसका मतलब और तुमने तुमको आता भी कुछ है नहीं।
तुमको आता भी कुछ नहीं, ना तुमने जिंदगी में कभी कोई किताब पढ़ी है, अच्छा। ना तुम किसी से सीखे हुए हो, ना तुम कोई ऑपरेशन जो तुमने 20 साल पहले सीखा था वही चलते आ रहा है। अच्छा। अब तुम बोलो तुमने वो पैसा उनको वापस देना है कि नहीं देना है। मैडम एक दफा और तुम हिचकिचाई। मैडम मैं ओनर से ही बात करता हूँ, ओनर से बात करता हूँ मैं। ओनर से क्या बात करोगे, ओनर से बात कर लेना। नहीं मैं बात ओनर से, मैं 5 मिनट में तुमको कलेक्टर का भी फोन आएगा और पुलिस आ रही है, ठीक है। तब तक जब तक तुमने पैसे नहीं भरे हैं और तुमने पब्लिकली माफी नहीं मांगी है तब तक तुम्हारा क्लिनिक नहीं चलेगा, ठीक है। तुम्हें मंजूर है कि नहीं है? मैडम मुझे हाँ भी तो मौका, मैडम देखिए मुझे भी तो मौका दी, कम से कम मैं बात तो कर लूँ। मैंने मौका दे दिया तुमको, तुमने कुछ नहीं बोला। तुमने कहा मैंने एलिजाबेथन कॉलर डाला और कुत्ता हाइपर एक्टिव है और कुछ नहीं बोला। नहीं मैडम ये मामला एक कुत्ते के पैर के ऑपरेशन से जुड़ा है। विक्रम मैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि मैं ऑपरेट इतना करता हूं। मैंने कहा गांधी ने डॉक्टर को और चूतर थे इंफेक्शन की वजह से या मान लीजिए लीकिंग की वजह से जारी किया। इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन ने गलती हो गई, सभा अध्यक्ष ओम बिरला और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मैं ओनर से एक बार बात कर लेता हूं। तो मैंने कहा गांधी पर आरोप है डॉक्टर के साथ काली का लॉज करने का। मैंने कहा गांधी के खिलाफ वेटरनरी एसोसिएशन प्रदर्शन करने वाली है। मैंने कहा गांधी पर डॉक्टर से बदसलूकी का आरोप है। दरअसल मैंने कहा गांधी एनिमल लवर मानी जाती हैं और यही मामला एक सामने आया है कि कुत्ते के पैर के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को उन्होंने संपर्क किया और इसी दौरान डॉक्टर के साथ बदसलूकी उन्होंने की और हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे और जानकारी लेते हैं। संजय और क्या जानकारी? नहीं नहीं मैडम 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 जो बेडरी ग्रेजुएट होता है कोई भी सर्जरी कर सकता है। सवाल ही नहीं उठता है। नहीं मैडम अभी तुम्हारे ऊपर इतने तगड़े केस लगाने वाले हैं तो तुमको तुम्हारे बाप को भी पता चलेगा। समझे? पब्लिक हेल्थ में एमबीएससी हरामी कहीं का नहीं तो मैडम सबसे घटिया होता है वो पब्लिक हेल्थ में ही जाता है जिसके पास और कोई काम नहीं और हर चीज में फेल है। की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि आपने गलत ऑपरेशन किया। अब तुम पैसे हमको वापस दे दो, नहीं अभी उनसे बात करके पैसे वापस दो, एक और चेक भेज दो, नहीं तो मैंने उनको तुम देख लेना मैं क्या करूँगी। तुम जरा देख जानवरों का इलाज, मैंने तुमको छोड़ना तो है नहीं। तबीयत खराब हो गई उनकी हालत, तुम पब्लिक हेल्थ के हो, तुम सर्जरी में हो और आज के बाद अगर तुमने किसी के ऊपर सर्जरी की तो एसोसिएशन है। तो मैडम जो ग्रेजुएट करते हैं सर्जरी तो उनपे भी तुम नहीं कर सकते हो जब तक तुम ये झूठ बोलते रहोगे एमबीएससी। नहीं 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 मैं आपसे ये बात पूछता हूँ, जो ग्रेजुएट है तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। आज के बाद तुम्हारे लिए सर्जरी भी बंद, क्या क्लिनिक भी मैं बंद करती हूँ।